मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रक्रिया जारी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर यूथ कांग्रेस के अर्जुन आर्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने बुधनी से उम्मीदवार बना दिया है। बुधनी भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। भोपाल सिटी लिंक्ड लिमिटेड BCLL की बसों में चालक और परिचालक के साथ मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल रविवार रात को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक ऑटो चालक ने सिटी बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट की। इसके चलते बस के अंदर बैठे यात्री दहशत में आ गए। सिटी बस में लगे CCTV कैमरे में ये घटना कैद हुई है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब एक धमकी भरे संदेश में बताया गया कि 5 फ्लाइट में 5-6 संदिग्ध लोग बम के साथ सवार हैं, ये संदेश रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से एक अलायंस एयर की दिल्ली इंदौर फ्लाइट 9I621 का जिक्र किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के 2 बच्चे वाले बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि देश को बहुत बदलाव की जरूरत है और अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करते हैं तो मेरा मानना है कि ये सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह उन्हें निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया है। शिवराज सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों का समूह सरकार की योजनाओं, बजट और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर इत्यादि को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। उज्जैन की पहचान साधु संतों से है। 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। झाबुआ जिले की कन्या शिक्षा परिसर मोरझिरी पदस्थ एक छात्रावास अधीक्षिका द्वारा छात्रावास की एक बालिका के साथ मारपीट करने का वीडियो रविवार देर शाम को वायरल हुआ। वीडियो की पुष्टि होने के बाद कन्या शिक्षा परिसर अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया। वीडियो में अधीक्षिका द्वारा बालिका के साथ मारपीट कर आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे हैं। उज्जैन जिला प्रशासन ने शनिवार को जूना सोमवारिया स्थित हैला जमात खाने के पीछे शासकीय जमीन पर 50 मकान पोकलेन चलाकर ढहा दिए। जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। ये जमीन खाली कराने को प्रशासन 4 वर्ष से प्रयास किया गया था। विधि सम्मत नोटिस आदि की कार्रवाई पूरी करने के बाद ही कार्रवाई हुई है।